चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। नवीन अब तुम्हें पता है कि आज 4 तारीख है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर महमूद। जाए जल्दी से, अब केक मंगवाए जल्दी से। आज मेरी कोई सालगिरह वालगिरह नहीं है। अरे भूल गए तुम, 4 तारीख का वादा था। बस कर दे महमूद साहब, मैंने तो किसी लड़की से मिलने का वादा नहीं किया था। तुमने 1 हफ्ता पहले मुझसे 5,000 रुपए लिए थे उधारे, और तुमने कहा था कि 4 तारीख को मैं पैसे वापस कर दूंगा। लाओ 5,000 रुपया निकालो मेरा। इतना बड़ा मुंह और इतनी छोटी बात। देखो नवील, तुमने उधार लिया था, वापस तो करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा चले काम करें, पहले मेरे 2 करोड़ रुपए वापस करें। 2 करोड़? अरे कौन से 2 करोड़ भाई? 1-1.5 करोड़ की तो अभी तक आप रोटियां खा चुके हैं, और तकरीबन 40-50 लाख जो है उसका साबुन इस्तेमाल हुआ है आपके मुंह पर। इंतहाई घटिया तरीन किस्म की बात कर रहे हो तुम नबील। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसी बात का तो दुख है, इस नए मोहल्ले में भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे आपका बड़ा सारा मुंह देख के डर जाते हैं। देखो नबील, ये आए बाएं शाएं मत करो, सीधी तरह मेरे पैसे निकालो वरना मैं तुम पे केस कर दूंगा। और जाएं जाएं करें केस, केसों से मैं नहीं अब डरता। हाँ, और फांसी में लगवाऊंगा आपको, और माँ जी की किसी नेक शरीफ अमीर आदमी से तीसरी शादी करवाऊंगा इंशाअल्लाह। शर्मानी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। मैं भी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ तुम्हारे ये गंदे इरादे, वही तुम्हें सीधा करेगी। और तले तले जाके अपनी अतलों पे आंतू बहा के तो जाए। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, ऐंज लगदा मैं जीवे रांझण मैनू हीर बनावन आ गया। मुमताज मुमताज। कौन मुमताज? मैं सऊद। अरे मुमताज तुम हो भाई, ये अपने बेटे को तुम समझा लो, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर गुजरूं। ठीक है फियाज, आप मेरे लिए ना मरी जाने का बंदोबस्त करें, मैं सोने को उसके हॉस्टल में जाके ना समझाती हूँ। अरे मैं सोने की नहीं, तुम्हारे बड़े बेटे नबील की बात कर रहा हूँ। देखो मोमो, मैं उसके खिलाफ FIR कटवाने लगा हूँ। क्यों मकसूद? अरे उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। जरूर उसकी नजरें खराब हो गई होंगी शिफात। अरे उसकी नजर नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया है। मेरा खून खौल रहा है मोमो, ऐसा ना हो कि मैं उसका खून कर दूं। नहीं शहूद नहीं, मैं आपको जलील का कत्ल करने नहीं दूंगी। अगर आपने उसको मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कि एक बड़े मुंह वाले बाप ने छोटे से मुंह वाले बेटे को कत्ल कर दिया, तो इस पे तो फांसी बनती है फिर। अरे ये तुम दोनों माँ बेटा मुझे फांसी दिलवाने पे क्यों तुले हुए हो भाई? अरे उधर वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है ताकि बाद में वो तुम्हारी तीसरी शादी करवा सके। ये हुई ना गल। मुझे गुस्सा मत दलवाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। आप एक काम करें, दौड़ी दौड़ी जाएं तो 1 किलो भिंडी ले आएं, मैं आपके लिए बड़ा मजे का भिंडी गोश्त बनाऊंगी जलील, जिसे खा के ना आपका सारा गुस्सा उतर जाने। महमूद एक दफा करें महमूद को, मैं तो सिर्फ आपके लिए भिंडी गोश्त बनाऊंगी। इससे तो अच्छा है मैं जाकर बाजार से सब्जी ले आऊं। सब्जी लेने जा रहा है, है? अरे आपको कैसे पता चला भाई? अबे तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू किसी घर का नौकर है और सब्जी लेने जा रहा है। तेरे जैसे इंसान सारी जिंदगी सब्जी लेने में गुजार देते हैं। अरे चरबुंजरे, मैं कोई नौकर वॉकर नहीं हूँ, बस यहाँ से थोड़ी दूर मेरा इतना बड़ा बंगला है। अच्छा बड़ा सा बंगला? ओह वही हुआ जिसका डर था। क्या क्या हुआ? तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत भाई? तफसीलात बताने के लिए मुझे तेरा हाथ देखना पड़ेगा, और उसकी फीस लगेगी। फीस? कितनी फीस? बस 5,000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, बस रहने दो तुम। 2,000 दे दे। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना। चल 500 दे दे। 500 कोई नहीं, अब मेरे पास बस ये ये 100 रुपए है, अगर लेने हैं तो ले लो। अच्छा ला ला, चलो हाथ दिखा। हाथ दिखाऊं? जा ये क्या?
तेरा राहु केतु में जा रहा है। अरे कौन कहाँ जा रहा है भाई? नहीं भाई ये पैसे पकड़। क्यों क्या हुआ? नहीं भाई उस इंसान से क्या पैसे लेने जिसके जिंदगी की दो चार दिन रह गए। हाँ मौत तेरे सर पे मंडला रही है, बहुत जल्द कोई इंसान तेरा कत्ल करने वाला है। कत्ल? कौन करेगा मेरा कत्ल? तेरे घर वालों में से ही करेगा तेरा कोई कत्ल। क्या? हाँ जा अल्लाह अल्लाह कर और अपने गुनाहों की माफी मांग जा। मामा मेरी बात सुनो। अरे मामा मेरी तरफ देखो तो सही। आप कौन सा सर्जरी करवा के फवाद खान बनकर आए जो मैं आपकी तरफ देखूं? मामा मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। सबकतगीन मैंने तुझसे सब्जी मंगवाई थी तो आप बुरी खबर लेकर आ गए हो। अरे क्या हो गया मामा तुम्हें? और ये तुमने छुरी क्यों उठा ली? तक छुरी से मैं आपकी गर्दन काट सकूं जवेद। महमूद महमूद की नहीं आपकी गर्दन काटूंगी। चले तैयार हो जाए। क्या हो गया मुस्तकीम इतनी चीखें क्यों मार रहे हैं? मामा तुम मेरा कत्ल करना चाह रही थी ना, मेरी गर्दन काटना चाह रही थी ना, जान से मारोगे मुझे? आपकी मोटी गर्दन इतनी छोटी छुरी से नहीं कटेगी, इसके लिए दो धारी तलवार लानी पड़ेगी। तलवार? नहीं मसूद ये छुरी तो मैंने सब्जी काटने के लिए बनाई थी। लगन को लू लग गई है। दिन के इस वक्त क्या कर रहे हैं? पानी पानी। अच्छा पौधों को पानी देने आए हैं? नहीं पानी मांग रहा हूँ अपने लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है महमूद साहब? अच्छा रुके मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबा जी के मुताबिक कातिल इसी घर में रहता है, क्या करूँ कैसे पता करूँ? अब मुझे ना बहुत चुकन्ना रहना पड़ेगा, लेकिन इस घर में कौन हो सकता है? मोमो नबील या खूबसूरत? ये क्या है खूबसूरत? अरे मैंने तुमसे पानी मंगवाया था, ये क्या ले आई हो? ये पेट्रोल है। क्या पेट्रोल? हाँ ये पेट्रोल मैं आप पर छिड़क कर आपको आग लगा दूंगी। बहुत मुफ्त की रोटियाँ तोड़ ली आपने। महमूद साहब क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं? ये ले पानी। नहीं ये पानी नहीं है, ये पेट्रोल है। तो तुम मुझे जलाना चाहती हो? क्या मैं आपको क्यों मारूंगी? अरे तुमने अभी तो मुझे खुद कहा है कि तुम पेट्रोल छिड़क के मुझे आग लगा दोगी। महमूद साहब क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चले अंदर मेरे साथ। महमूद साहब को क्या हो गया? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं महमूद साहब, मैं आपको सुकून की नींद सुलाने आया हूँ। लोरी देने आए हो? मैं कुछ देने नहीं लेने आया हूँ। भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अभी तो मेरी पेंशन भी नहीं आई। मैं यहाँ पैसे नहीं बल्कि इंतहाई फालतू चीज लेने आया हूँ। कौन सी फालतू चीज भाई? आपकी जान। और क्या? क्या? हाँ महमूद साहब। हाँ, ओ महमूद साहब महमूद साहब उठे यार। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ओ हाँ महमूद साहब जिंदा हैं आप यार, आप कहाँ मर सकते हैं, आप तो इच्छाधारी नाग हैं। आपको मारना कोई आसान काम थोड़ी है यार। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो नबील? मैं आपको मारना चाहता हूँ नबील। नबील खुदा के लिए नबील मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मुझे मत मारो नबील, मुझे मत मारो, सोते लाई सही। अरे तुम्हारा बाप तो हूँ ना। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? मुझे आपको मार के क्या मिलेगा यार? आपकी चंद हजार रुपए की पेंशन है वो भी बंद हो जाएगी। हाँ अगर आप मेरे सुसर की तरह करोड़पति होते तो मैं ये सोच सकता था। नहीं मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे महमूद साहब कभी कभी मेरा दिल तो करता कि मैं आपको मार डालूं, लेकिन क्योंकि मैं दिल बहुत नरम है, मैं बड़े नरम दिल का इंसान हूँ, इसलिए आप जैसे घटिया आदमी पर भी मुझे तरस आ जाता है। देखो नबील अगर तुम मुझे मारोगे ना तो बचोगे तुम भी नहीं। महमूद साहब सच सच बता दें कौन सा नशा शुरू कर दिया आपने जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यार?
आपको किसने कहा मैं आपको मारना चाहता हूँ? मुझे ना एक बहुत बड़े पामिस ने बताया कि मेरा मर्डर होने वाला है। आपको कितनी बार कहा है कि मोहल्ले की लड़कियों को मत छेड़ा करें, लेकिन आप पास कहाँ आते हैं। आपकी वैसे मौत जो है ना, ये जो तीसरा घर है फराज साहब का, उनके हाथों होगी, क्योंकि उनकी मिसेज को आप बहुत घूरते हैं। अरे नहीं भाई, उस पामिस ने बताया कि मेरा मर्डर जो है ना, वो इसी घर का कोई फर्द करेगा। और बस कर दे मैं मूसा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चलें, आप मेरे साथ चलें उस पामिस के पास। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या पता तुम बाहर ले जाकर अकेले में मेरा मर्डर कर दो। ओ यार, कत्ल करना होता तो मैं आपको यहां कत्ल कर दूं। यार बस कर दे, बस कर दे यार, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। उठे चले मेरे साथ आए। हाँ भाई, तू अभी तक बचा हुआ है? ओ गेंडे के मुंह वाले, तुझे शर्म नहीं आ रही? खाम खाम महमूद साहब को डरा रहा है, अपने ही घर वालों से छुपते फिर रहे हैं। तू मेरे इल्म पर शक कर रहा है? मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, इस आदमी का कत्ल होकर रहेगा, वो भी आज ही अपने घर के फर्द के हाथों। मेरी पेशिंग गोई कभी गलत साबित नहीं हो सकती, समझे? ये मर कर रहेगा। सुना तुमने, ये क्या कह रहा? ओ भाई, अगर तू इतने ही पहुंचा हुआ है तो अपने इल्म से बता कौन मारेगा। नाम बताना उसका। देखो मेरे पास इसका तोड़ है, जरा महंगा है लेकिन जान से ज्यादा तो नहीं है ना। ओ भाई तू बस नाम बता दे, तोड़ मैं खुद लूंगा उसकी हड्डियां। चल हाथ दिखा। अरे मैंने हाथ दिखाने को कहा था, चलाने को नहीं कहा था। हाथ दिखा। ओ दिखाएं यार, मैं उसको दिखाएं यार। मैं तेरे कातिल का नाम बताऊं? भाई पूरा नाम बताना तो बड़ा मुश्किल है। ओ भाई तू आधा बता दे, बता तो सही कुछ है। जो इंसान तुम्हें कत्ल करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। नून से? यार नून से किसका नाम आता है महमूद साहब? नून से तो तुम्हारा नाम आता है नबील, यानी तुम मुझे कत्ल करोगे। ओ भाई मेरे पास इसका तोड़ है, तोड़ तो सुनते जाओ, मैं आके तुम्हें तोड़ता हूँ। अच्छा महमूद साहब, भाई नहीं, तुम्हारा बेटा मुझे कत्ल करना चाह रहा है मुमताज। पर मुमताज नाम का तो हमारा कोई बेटा नहीं है मसूद। हाँ महमूद साहब, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ सकते हैं आप। नहीं खूबसूरत, तुम जानती नहीं हो, तुम्हारा ये शौहर जो है ना मेरी जान लेना चाह रहा है, मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्या नबील आपकी जान लेना चाहता है? मगर क्यों नबील, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जानू, मैंने तो भी कुछ बोला ही नहीं है, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। कफील, मुझे तुझसे ऐसी वो नहीं थी। वो क्या माँ जी? उन्हें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नबील। बिल्कुल ठीक कह रही है अस्मत, तू अपनी माँ का सुहाग उजाड़ना चाहता है इदील। ओ नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। लेकिन महमूद साहब तो कह रहे हैं तुम उनका कत्ल करना चाहते हो। ओ महमूद साहब पागल हो गए हैं, एक मामूली से पाम इसकी बात का यकीन कर रहे हैं। पीछे हटो। ओ यार महमूद साहब, दरवाजा खोले यार। नहीं, मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि जब तक ये दरवाजा बंद है मैं महफूज हूँ। दिमाग खराब हो गया, उनको किसी पामिस ने क्या कह दिया कि उनका मर्डर होने वाला है, और जो मर्डर करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। नून से तो इसका नाम शुरू होता है, क्यों नजमा क्यों मारना चाहती है मेरे सबकतगीन को? नून से आपके बेटे का नाम आता है नबील। चुपे, नबील तो मेरे मरहूम शौहर का नाम था। हाय मेरे मसूद, ने सवेरे से कुछ खाया नहीं है पता है? यार नबील किसी तरह से ये दरवाजा खुलवाओ यार। ओ मैं तो कहता हूँ रहने दो जानू उनको अंदर ही, भूखे प्यासे रह के खुद ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो फिर हम कमरे के अंदर ही उनका मकबरा बना देंगे, दूर दूर से लोग आएंगे चादरें चढ़ाने पैसे रखने, तो जानू हम दिनों में अमीर हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं तो रोज मसूद के मजार पे ना धमाले डालूंगी, देखना। यार आप लोग किस किस्म के लोग हैं, एक बेचारा इंसान सुबह से अंदर भूखा प्यासा बैठा हुआ चुपके, और आप लोग हैं उसके मरने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं तो तेरे पास अगर उससे अच्छा आइडिया है तो बता। फिलहाल आप लोग ये सोचे कि महमूद साहब को बाहर कैसे लाना है। ओ जानू, ये सोचने का काम तुम्हारा है, आराम से बैठ के सोचो, और मैं जब तक एक दो बर्गर खा के आता हूँ। पुत्र मेरे वास्ते निकले आई। कौन सा माजी? अंडे वाला, अंडे वाला। अंडा एक दिलवाऊं या दो? पुत्र बस मैं गम में हूँ तो एक ही दिलवा दे।
ओके डन है माँ जी, डन है, एक अंडे वाला बर्गर लाता हूँ। अंडे वाला बर्गर नहीं, क्या करूं, किससे मदद लूं? अरे यहाँ तो सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, भट साहब को फोन करता हूँ। अरे ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? हेलो भट साहब, मैं बोल रहा हूँ। मैं हाँ तो मैं भी बोल सकता हूँ, मैं कौन सा गूंगा हूँ? अरे मैं महमूद बात कर रहा हूँ, फौरन यहाँ पे पहुँचे। वो कहाँ पहुँचूँ भाई? अरे हमारे यहाँ, हमारे घर। मेरी जान को खतरा है भट साहब। तुम हो कहाँ महमूद? मैं अपने कमरे में हूँ भट साहब। कमरे में किस चीज से खतरा है भाई तुम्हें? भट साहब, भट साहब मुझे अपने घर वालों से खतरा है। अरे ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, खास तौर पे वो नबील कन खजूरा जो है। अच्छा अच्छा मैं आता हूँ, परेशान ना हो तुम, आया मैं। चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। सयोनी मेरे दिलदा जानी, सयोनी मेरे दिलदा जानी, आपको कसम है अपनी नूर जहां की, आप बाहर आ जाएं प्लीज। नूर जहां नहीं, मुमताज माँ जी। तेरी माँ जी का नाम मुमताज था? बड़ा ही मर्दाना नाम है भाई, मुमताज। ओ यार महमूद साहब दरवाजा खोल दे यार, वरना खूबसूरत अपनी जान दे देगी यार। मैं क्यों अपनी जान दूंगी? ओ यार जब तुम कितनी खुदगर्ज हो यार, इतने बड़े मुंह वाले सुसर के लिए अपनी जान नहीं दे सकती हो? शट अप नबील। ओके जानू। पुत्र जल्दी से दरवाजा खोल ले। ओ माँ जी ये दरवाजा अंदर से बंद है यार। ओहो माँ जी बाहर का दरवाजा खोलने को कह रही है, डोरबेल बज रही है। अच्छा अच्छा अभी देखता हूँ, चल इंतजार गाह में चले। You are under arrest. महमूद ने तो कहा उसकी जान खतरे में, उसी ने तो फोन करके बुलाया मुझे। ओ भट साहब उनका दिमाग खतरे में है यार, खाम का किसी फार्मिस्ट के कहने पे मुझ पे शक कर रहे हैं। कौन सा फार्मिस्ट? ओ यार जाके खुद पूछ ले यार, और इसको तो नीचे करे भट साहब, इसका मजाक अच्छा नहीं होता यार। आए मेरे साथ, पूछे उसे। आए आज वो भट साहब, उसको आज वो मैदान में हो जमा। ओ माँ जी खुदा का वास्ता यार, भट साहब बारात लेके नहीं आए, हमें अरेस्ट करने के चक्कर में है भट साहब। क्यों लट साहब, हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे पीछे गिरफ्तारियां डाल दी हैं? महमूद ने कॉल करके मुझे तुम सब की कंप्लेंट की है। देखिए भट साहब, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो बड़ी मीसनी निकली, बुरे वक्त में तो हमारा साथ दे दे जमीला। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। चल मान लिया तो खूबसूरत है, अब तो साथ दे दे हमारा। ओ जानू मैं तुम्हारे बगैर जेल नहीं जाऊंगा, साथ साथ चक्की पीसेंगे, वहाँ मुझे शटअप कौन कहेगा? शटअप नबील। ये हुई ना बात जानू, लेकिन इट्स नॉट ओके। आप हमें इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते भट साहब। क्यों जानू, प्यारे पापा जी के कमिश्नर लगे हैं यहाँ पे। जी नहीं, हम सब ने कुछ नहीं किया। महमूद साहब बिल्कुल सही सलामत है, आप चाहे तो कमरे में जाकर देख ले। हाँ लट साहब, ये नसरीन है ना मेरी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, उसने जूमी के बच्चे ने मेरे मसूद को वर्गला दिया है। चलो देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, आज वो, चलो, आज वो, आज वो, आज वो। महमूद देख मैं आ गया हूँ। वो कैसे देखेगा बंद दरवाजे से है? अब मेरा मतलब है देख दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं, अब मैंने दरवाजा खोला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। महमूद दरवाजा खोल यार, मैं वादा करता हूँ सिर्फ मैं ही अंदर आऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ भाई अब आराम से बताओ कि मुझे मसला क्या है। भट साहब आज सुबह एक बहुत पहुंचे हुए फार्मिस्ट ने ना मेरा हाथ देके बताया कि मेरा कत्ल होने वाला है। क्या? हाँ, और ये भी बताया कि जो मेरा कत्ल करेगा उसका नाम नून से शुरू होगा। और भट साहब नून से तो नबील का नाम शुरू होता है ना। हाँ, नून से तो नौरीन भी आता है। नौरीन तो मेरी साहब का मंगेतर जी भट साहब, कहीं वो मुझसे पुराना बदला लेने तो नहीं आ रहे? और या तुम चलो मेरे साथ। नहीं नहीं भट साहब, मामा मुझे नौरीन के पास कभी भी नहीं जाने देगी। और मैं नौरीन के पास नहीं, उस पामिस्ट के पास जाने की बात कर रहा हूँ। अगर वो सच में इतना पहुंचा हुआ पामिस्ट है ना, तो उसके पास इसका तोड़ भी जरूर होगा। इस कमरे से बाहर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा भट साहब। और मैंने कहा ना चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो
चलाओ मेरे साथ। ये धोखे से गिरफ्तार करके ले गए मेरे मसूद को। बच्चा वो देखे, वो बिरजू पामिस्ट वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ये वो पामिस्ट है, आप इसे जानते हैं? और ये भी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। आओ मेरे साथ। तेरे सितारे गर्दिश में बच्चा, तेरा मरने का दिन करीब आ रहा है, तेरा मटर होने वाला है। हाँ अब पकड़ा गया ना बच्चू। अरे बच्चा आप इसे कैसे जानते हैं? अरे मैं इसकी तलाश में था, ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। इससे 3 साल पहले मुझे भी बेवकूफ बनाया था बोल के कि मेरा इनकाउंटर होने वाला है। अब चलना थाने, तेरे दो दो हाथ देखते हैं। अरे दो दो हाथ आप तो बाद में दिखाइएगा, पहले इसे मैं तो दिखाऊं कि दो दो हाथ। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते।